नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू बाला में। तो आज हम अपने स्वाद के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए बहुत पौष्टिक एक लड्डू बनाने जा रहे हैं, जो बच्चों की सेहत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे मुल्क में भी, देश में भी अब पौष्टिक आहार, पोषक आहार हफ्ता बन रहा है, सप्ताह बन रहा है। उसके अंतर्गत मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा अपना योगदान दूँ पौष्टिक आहार के संबंध में। तो उसके लिए मैंने एक रेसिपी तैयार की है जो बहुत ही पौष्टिक है, फ़ायदेमंद है जी। मैंने लिए 2 कप भुने हुए काले चने। देखिए, इस प्रकार से बाज़ार में भुने बुनाए भी मिल जाते हैं और आप खुद भी, जो छोटे टाउन हैं, विलेज हैं, उनमें आप भट्टी से भी बनवा कर ला सकते हैं। तो ये वजन में 175 ग्राम है और कप के हिसाब से 2 कप हैं। तो 175 ग्राम ही मैंने लाल वाली शक्कर ली है, जो किराने की दुकान से या जहाँ गुड़ बनता है वहाँ मिल जाती है। और ये पास थोड़ी सी है मेरे पास मूँगफली की छिलका रहत गिरी, ये है देसी घी और ये सौंफ का पाउडर। इतनी चीज़ें हमें पौष्टिक लड्डू बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इसका आप छिलका उतार कर भी ले सकती हैं। अगर आपको काले काले से लड्डू पसंद नहीं है, जैसे कि ऐसे बिल्कुल हाथ से मसल कर उतार दीजिए और छिलके के साथ भी बना सकते हैं। दोनों तरह से ही अच्छे बनते हैं। मैं छिलका साथ में ही लूँगी क्योंकि छिलके में बहुत से विटामिन मिनरल रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं। तो इसलिए इसे सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। थोड़े पहले कम डालेंगे, हमने अच्छी तरह से जो हमारे भुने हुए चने थे उनका पाउडर बना लिया है। इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ये बहुत आसानी से बन जाता है और ये 100% पके हुए रहते हैं कि भुनने के पश्चात ये बिल्कुल कुक्ड हैं। इसके लड्डू भी बहुत आसानी से और मिनटों सेकंडों में तैयार हो जाते हैं। और जो मैं रेसिपी बताऊँगी वो आपको बहुत डिटेल में बताती हूँ, ताकि जब भी आप घर में लड्डू बनाएं, कोई भी मेरी रेसिपी ट्राई करें, तो आपको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो उसके लिए मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डालती हूँ मैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट डालकर मेरे से पूछताछ कर सकती हैं जो भी आपको दिक्कत आती है, और व्हाट्सएप करके भी पूछ सकती हैं अगर आपकी कोई रेसिपी सही नहीं बनती। तो वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी हर एक रेसिपी को डिटेल में बताती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। अब पाउडर तैयार है, बिल्कुल रेडी है, मैंने छिलके समेत बनाया है, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा ऐसा बीच बीच में काला काला सा बनेगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप छिलका रहत बनाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इसे पीनट का भी पाउडर बना लूँ, थोड़ा सा दर्द रहा सा मेरे को ख्याल में नहीं रहा, फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। पीनट से है, मैं आपको बता भी देती हूँ कितनी ली है। ये मैंने 1/4 कप ली है। आप अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पीनट्स का अच्छा लगता है आपको, तो आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं। इसका हम दरदरा सा पाउडर, पीनट्स का हमने पाउडर बना लिया है। अब इसे भी मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। सभी इंग्रेडिएंट्स अपने तैयार कर लिए हैं, तो अब हम सबसे पहले घी, पहले मैं 1/2 कप घी लूँगी, फिर देखती हूँ छिलके का के कारण कई बार कम या ज़्यादा घी डालना पड़ता है। अगर छिलका ज़्यादा हो तो घी ज़्यादा लगता है, भुने हुए चनों में अगर कम हो तो कम लगता है। पहले मैंने 1/2 कप डाला है, जी 1/2 कप का मेजरमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, 118.32 ml, ये स्टैंडर्ड जो वर्ड में, इसीलिए मैंने ये लिया, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जी। तो अब हमने ये शुद्ध घी डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, ताकि घी में मैंने इसलिए डाला इसकी गंध थोड़ी तेज़ हो जाए। आप दरदरा भी सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं और बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। अब इसको 1-2 मिनट हम कुक करेंगे,
फिर हम देखते हैं कि हमारे कितने हमें घी चाहिए। जब भुना हुआ तो है, इसे सिर्फ हमने मिक्स करने के लिए गैस पे चढ़ाया है, अदरवाइज़ हमें गैस पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चने हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुकड़ होते हैं, रोस्टेड होने के कारण इसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती भूनने की। सिर्फ हम गैस पे रख के तो मिक्स करेंगे, क्योंकि शुद्ध घी है वो जम जाता है और इसमें अच्छी तरह गैस के कारण, आँच के कारण मिक्सिंग में हमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने सिर्फ गैस पे रखा है। पहले मैंने आधा कप घी डाला था, दो कप चनों में, देखिए आधा कप का मेजरमेंट है। अब मैं आधे का आधा यानी कि 1/4 कप और मिला रही हूँ, तो अब देखते हैं कि कितने ये बन रहे हैं हमारे लड्डू। अगर हमें दिक्कत आएगी बांधने में तो हम बांधते वक्त थोड़ा इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको कि ये सब छिलके के कारण कम या ज़्यादा होता है, तो हमने टोटल इसमें 3/4 कप, 1/4 कप घी का ऐड किया है, जो वज़न में 75 ग्राम था। 2 कप चनों में हमने 1/4 कप घी का ऐड किया है, इससे हमारा मटेरियल काफ़ी गीला गीला सा हो गया है। तो अगर आपको दिक्कत आए लड्डू बांधने में तो आप बांधते वक्त भी उसमें अपनी सुविधा के मुताबिक घी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाकर रखा था। मूंगफली का पाउडर मैंने जो मूंगफली ली थी वो छिलका रहत ली थी। आपको अगर छिलका सेहत पसंद है तो आप छिलका सेहत भी ले सकते हैं, उससे इसकी गुणवत्ता ही बढ़ेगी, पौष्टिकता ही बढ़ेगी, टेस्ट में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब मैंने बराबर की शक्कर ली थी, अब हम बांध कर थोड़ा टेस्ट भी कर लेंगे। अगर जो शक्कर है आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप 150 ग्राम भी ले सकते हैं। मीठा आपके स्वाद पे निर्भर है कि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है या कम मीठा पसंद है। बाकी के इंग्रेडिएंट मैंने बता दिए हैं जो ज़रूरी थे कि कितने कितने हमने डालने होते हैं और कैसे लड्डू बांधने हैं। ये लड्डू गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं, स्वाद में, टेस्ट में, बच्चों के लिए तो विशेषकर, क्योंकि बच्चों को तो बार बार भूख लगती है। जब आप उल्टा सीधा पैकेट बंद चीज़ें उनको देते हैं खाने के लिए, चिप्स वगैरह, तो वो नुकसानदायक रहती हैं चीज़ें। तो घर की बनी चीज़ें, क्योंकि शक्कर में भी आयरन की भरपूर मात्रा रहती है, काले चने में भी आयरन, कैल्शियम, पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में रहते हैं। ये मैंने जो बनाई है वो पोषण सप्ताह को, पोषक आहार सप्ताह को ध्यान में रखकर ही बनाई है, ताकि बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। चने हैं वो डायबिटिक, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं। अगर उनके लिए ये लड्डू आपने तैयार करने हो तो आप इसमें शुगर फ्री डालकर भी बना सकते हैं। देखिए हमारा सारा मटेरियल हमने हाथों की मदद से, हाथों की सहायता से बिल्कुल एक जान कर लेना है, कर भी लिया है। तो अब हम इसके लड्डू बांधने शुरू करेंगे। जब लड्डू बांधने हो तो आपको थोड़ा मटेरियल हाथ से छूने लायक गर्म होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए। अब हम इसके लड्डू बांधने जा रहे हैं। आप अपनी सुविधा के मुताबिक छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे ही लड्डू बांध लीजिए। मैं थोड़े बड़े साइज़ के बांध रही हूँ, तो अगर आपके बच्चे वेस्ट करते हैं खाने के पदार्थ तो आप छोटे छोटे बांध लीजिए, नहीं बड़े बड़े बांध लीजिए। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और सबसे बड़ा पॉइंट पोषण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। कोई भी आजु का व्यक्ति, वो एज ग्रुप का इसे खा सकता है। तो इस प्रकार से मैं सारे अपने लड्डुओं को बांध लूँगी। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, फिर देखिए कि लड्डू कैसे आपको आनंद देते हैं। ये लड्डू आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होते, परंतु ये टेस्टी ही इतने बनते हैं कि आपको स्टोर करने के लिए कोई लड्डू मिलेगा ही नहीं, जब बनाएंगे जल्दी ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद खाएं, घर में बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं और हंसते हंसाएं, मेरी रेसिपीज को ट्राई कीजिए और इसी प्रकार से खुशी खुशी लड्डुओं को खाकर एंजॉय कीजिए। देखिए ये लड्डू हमारे 6-7 मिनट में ही पूरी तरह तैयार हो गए हैं, सिर्फ हमें ग्राइंड करने में ही टाइम लगा है। तो
तो गैस का तो सिर्फ हमने जो हेल्प है वो घी को मेल्ट करने के लिए ही ली है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही भुने हुए चने होते हैं। इसे सिर्फ मिक्स किया है घी में सौंफ को थोड़ा एक दो मिनट कुक करके, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा नंबर लेकर कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप मेरे को फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करके अपनी रेसिपी के बारे में, अपनी दुविधा के बारे में पूछताछ करके कोई भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आप भी इस प्रकार हंसते हंसाते इन लड्डुओं को बनाइए, खूब खूब खाइए, लोग अपने मेहमानों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। जो मेरी रेसिपीज है वो रियल और ओरिजिनल होती है, उसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं रहती। तो मैं थोड़ी लंबी वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर कर सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, ट्राई करते समय रेसिपी को आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो आप इसी प्रकार से बिना स्किप किए हुए मेरी सभी रेसिपीज को ज़रूर देखें। अब आप मेरी रेसिपी देखने के पश्चात आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।